चयन कर युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार द्वारा मिशन मोड से काम किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में माह अप्रैल 2017 से अब तक शिक्षकों के 34,074 पदों का चयन की कार्रवाई की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जा रहा है, उसका कार्य भी जल्दी प्रारंभ होगा। माननीय चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 16 प्रवृत्त होने के उपरांत दिनांक 30/12/2000 से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की तदर्थ नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय तदर्थ अध्यापकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 38/83/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य इससे संबंध अन्य सिविल अपीलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26/8/2020 को आदेश पारित किया गया था कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 11 के अंतर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को अध्यापक भर्ती परीक्षा में उनकी सेवा के आधार पर भारांक प्रदान कर उनके आवेदन आमंत्रित किए जाएं। उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित 26/8/20 के अनुपालन में विज्ञापन वर्ष 2021 की परीक्षा आयोजित हो चुकी है और परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। माननीय 2254 तदर्थ शिक्षक इसमें बैठे थे, जिसमें भरांक होने के उपरांत मात्र 40 शिक्षक ही इसमें सफल हो पाए, इसलिए शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ना ही ऐसे तदर्थ शिक्षक किसी प्रकार के अनुतोष पाने के योग्य हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी माननीय कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 83/20/16 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र संख्या 818/2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/12/21 को अंतिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है। इसके साथ साथ मैं सम्मानित सदस्य को आपके माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 7/12/21 द्वारा तदर्थ रूप में ऐसे कार्यरत शिक्षक जिन्होंने चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया अथवा परीक्षा में असफल रहे, उनको संस्था में बनाए रखने एवं उनके वेतन भुगतान राजकोष से किए जाना संभव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान का दायित्व प्रबंधन तंत्र का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 7/12/21 के पश्चात किसी प्रकार की कार्रवाई का औचित्य स्थापित नहीं होता।